दोस्तों याद रहे YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 24,000 सब्सक्राइबरों में से सिर्फ 200 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में भी इस वीडियो को गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें, तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि यूट्यूब को शर्मिंदगी से लाल होना पड़े। 2 सितंबर 1998 बुधवार के शाम स्विसियर एयरलाइंस की फ़्लाइट 111 जिनेवा के कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवानगी के लिए तैयार हो रही थी। इस प्लेन में 215 पैसेंजर, 14 क्रू मेंबर कुल समेत 229 यात्री सवार थी। प्लेन के पायलट इन कमांड 50 वर्षीय उर्स जिम्मरमैन थे, जबकि फर्स्ट ऑफिसर 36 वर्षीय स्टीफन थे, जिन्हें इस फील्ड में करीब 4800 फ्लाइंग ओवर का एक्सपीरियंस था। 2 सितंबर शाम के 8:18 पर फ्लाइट 111 ने न्यूयॉर्क सिटी से उड़ान भरी। उड़ान के करीब 52 मिनट बाद यानी 9:10 पर प्लेन 33,000 फीट के ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी पायलट को महसूस हुआ कि कॉकपिट में कोई अजीब सी गंध फैल रही है। कॉन्फर्मेशन के लिए पायलट बाकी क्रू मेंबर से पूछा तो पता चला कि यह स्मोक केवल कॉकपिट में ही आ रही थी, इसलिए पायलट को लगा कि शायद यह कोई एयर कंडीशनिंग प्रॉब्लम हो सकती है। फिर करीब 3 मिनट के बाद पायलट ने नोटिस किया कि एयर कंडीशनिंग फैन से धुआं कॉकपिट में फैल रही है, इसलिए पायलट ने फैसला किया कि प्लेन को नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड करवाकर उसकी जांच करवाई जाए, ताकि पता चल सके कि आखिर खराबी कहां है। दरअसल यहां हुआ ये था कि पहली बार कुछ अजीब सी बदबू आई थी, जो उससे कुछ देर पहले ही कॉकपिट के ऊपर हिस्से में जहां पर इलेक्ट्रिक सिस्टम की वायरिंग होती है, जिसमें किसी कारणवश एक वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसके कारण वायर का सिक्योरिटी रबर पिघलने लगा था, जिसकी गंध पायलट ने पहली बार में महसूस किया था। कुछ देर बाद इस वायरिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी, जो धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसकी धुआं कंडीशनिंग फैन से बाहर निकल रही थी। लेकिन पायलट को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्लेन में आग लग चुकी है, वो तो अभी तक उसे एयर कंडीशनिंग का ही मसला समझ रहे थे। इसलिए कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक पैन कॉल की, जो किसी किस्म की गड़बड़ी के हादसे के चलते तत्काल लैंडिंग करवाने के लिए की जाती है। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अपने रूट को डाइवर्ट कर बोस्टन एयरपोर्ट पर लैंड कराने की इजाज़त मांगी, जो उस समय प्लेन से 433 किलोमीटर दूर था। इस रिक्वेस्ट के जवाब में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें हेलीफैक्स नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराने की मशवरा दी, क्योंकि उस समय हेलीफैक्स एयरपोर्ट उनसे 122 किलोमीटर दूर पर था। इस पर दोनों पायलट ने राजी हो गया। उधर हेलीफैक्स एयरपोर्ट पर भी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई थी। और इधर कॉकपिट में सर्कुलेटिंग फैन ने अब तक कॉकपिट से सारा धुआं खींचकर पीछे की तरफ धकेल दिया था, यानी अब कॉकपिट कुछ हद तक साफ हो चुका था और वहाँ किसी भी प्रकार की गंध नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी पायलट ये चाहते थे कि एक बार प्लेन की जांच करवा ली जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। इसलिए दोनों पायलटों ने अपने ऑक्सीजन मास्क को पहन लिए और प्लेन को नीचे उतारना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब कैबिन में सभी यात्रियों को सूचित किया गया कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कुछ खराबी के कारण प्लेन को तत्काल लैंड करवाया जा रहा है, इसलिए सभी यात्री अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध ले और लैंडिंग के लिए तैयार रहे। कुछ देर बाद पायलट ने हेलीफैक्स एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और लैंडिंग के लिए फाइनल रनवे की जानकारी दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था। दरअसल जिस समय ACT ने पायलट को लैंडिंग के लिए रनवे की जानकारी दी थी, तो उस समय प्लेन एयरपोर्ट से 30 माइल से भी कम दूरी पर थे।
ऐसे में एयरपोर्ट पर महफूज लैंडिंग के लिए उनका एल्टीट्यूड 10,000 फीट होना चाहिए थी, लेकिन उस वक्त उसकी ऊंचाई तकरीबन 20,000 फीट थी, यानी वो किसी भी हालत में एयरपोर्ट पर महफूज लैंडिंग नहीं करा सकते थे। इसलिए पायलट ने फैसला किया कि वह एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले एक लूप परफॉर्म करके ऊंचाई को कम करेंगे, साथ ही उसी दौरान एक्स्ट्रा फ्यूल को भी डंप कर देंगे ताकि लैंडिंग के दौरान प्लेन का वजन कम रहे और हम महफूज लैंडिंग कर सके। इसके लिए एसीटी ने उनके सामने दो ऑप्शन को रखे कि वह या तो फ्यूल को एयरपोर्ट पर आते वक्त एयरपोर्ट के ऊपर ही डंप कर दे, या फिर ऊंचाई को कम करने के दौरान समुद्र में ही डंप कर दे, और फिर पायलट ने दूसरा ऑप्शन चुना। 9:30 यानी घटना से करीब 8 मिनट पहले अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और प्लेन लैंडिंग के लिए लगातार डिसेंड कर रही थी और प्लेन का एसीटी से कांटेक्ट भी बना हुआ था, लेकिन इसी दौरान पायलट ने स्विस एयर प्रोसीज स्टार्ट किया जिसके अनुसार प्लेन में कोई धुआं दिखाई दे जिसका रीजन अननोन हो तो ऐसी सूरत हाल में प्लेन का अननेसेसरी पावर कट कर देनी चाहिए। जैसे ही पायलट ने इस प्रोसीज पर अमल करते हुए पावर कट की तो सर्कुलेटिंग फैन भी बंद हो गए जो अभी तक धुआं को कॉकपिट में से खींचकर पीछे की तरफ धकेल रहे थे और आग पर काबू पा रहे थे, लेकिन इनके बंद होते ही अब आग भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और 2 मिनट के अंदर में ये आग केबिन के ऊपर वाले सिस्टम के वायरिंग में पूरी तरह से फैल चुकी थी। घटना से करीब 6 मिनट पहले बढ़ती हुई आग की वजह से प्लेन की वायरिंग सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से ऑटो पायलट मोड काम करना बंद कर दिया। पायलट ने फौरन हैलिफैक्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि हमारा ऑटो पायलट मोड फेल हो चुका है। आग इतनी बढ़ चुकी थी कि अब पायलट को साफ नजर आ रही थी, इसलिए पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कॉन्टेक्ट कर एमरजेंसी का ऐलान किया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस आग की वजह से प्लेन की इलेक्ट्रिक सिस्टम की वायरिंग बुरी तरह से जल चुकी थी। घटना से 4 मिनट पहले आग लगने की वजह से फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने भी काम करना बंद कर दिया। 1 सेकेंड बाद ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने भी काम करना बंद कर दिया, यानी अब एसीटी का कॉन्टेक्ट भी प्लेन से टूट चुका था, लेकिन अभी भी प्लेन का ट्रांसपॉन्डर काम कर रहा था जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन की करंट लोकेशन और उनकी ऊंचाई को देख पा रहा था, लेकिन 1 मिनट के बाद ही अब ट्रांसपॉन्डर भी काम करना बंद कर दिया और इस समय प्लेन 9,700 फीट के बुलंदी पर था और कंटिन्यू डिसेंड कर रहा था। हालांकि प्लेन का प्राइमरी रडार अभी भी काम कर रहा था जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिर्फ प्लेन की लोकेशन को ट्रैक कर सकता था। उधर कॉकपिट में हालात और भी बुरे हो गए थे। जैसे ही पायलट का एसीटी से संपर्क टूटा तो उसके फौरन बाद ही प्राइमरी डिस्प्ले भी काम करना बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता प्लेन के तमाम कंट्रोलिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। घटना से 1 मिनट पहले प्लेन के तमाम कंट्रोलिंग सिस्टम काम करना बंद कर चुके थे। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रही। आखिरकार 555 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेन अटलांटिक ओशियन से टकरा गई और टक्कर इतनी रफ्तार से हुई थी कि प्लेन 20 लाख से भी ज्यादा टुकड़ों में टूट गया। इस घटना में प्लेन में सवार 229 यात्रियों और क्रू मेंबर की मौत हो गई। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि आखिरी समय में पायलट के द्वारा पावर कट करने का फैसला सही था? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे।